अरुण कितने लकीरों पर रंग भरेगी, चलिए देखते हैं। मैं इसकी पहली किक ऑफ सीटी, आप महज आने वाली है और लीजिए ये लंबी सीटी आती हुई, और मैं इसकी किक ऑफ सीटी और मैं इसका पहला टच आता हुआ पश्चिमी सिंह को। मैच प्रारंभ हो चुकी है। पूर्वी सिंहभूम नांदू और पश्चिमी सिंहभूम के बीच थोड़ी सी पिच को परखने की कोशिश अभी अभी मैच आरंभ हुई है। दोनों टीमों के लिए बिल्कुल मेहमान की पिच, और इस पिच को परखने की कोशिश। फिलहाल अच्छी बंटवारा और दाएं छोर से गेंद को नीचे गोल की बनाने निकले थे, बहुत बड़ी गलती हुई थी वहां। और पूर्वी सिंहभूम के जो सेंटर फॉरवर्ड के प्लेयर्स, जो अटैकर्स हैं, वो गोल के अंदर प्रवेश कर चुके थे। अगर थोड़ा भी पीछे होते तो एक मौका वहां पर बनती। ये पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और एएमएस नादुक के पूर्वी सिंहभूम की टीम। अनिल हसदा प्रमुख गोलकीपर की अहम किरदार अभिनय कर रहे हैं। नादुक की ओर से सुखलाल कुंकर जर्सी नंबर 5 पर, सामू दिघी जर्सी नंबर 6 पर। ये प्लेयर सूची है अपने आप को रंगी हुई और सजाई हुई इस जर्सी नंबर से। सामू बास्के जर्सी नंबर 14, जो प्रमुख सेंटर के फुल डिफेंसिव के एरिया से खेलते हुए। सामू कुंकल जर्सी नंबर 8 पर, ये सेंट्रल मिडफील्डर की अहम रोल और अहम ड्यूटी वो अदा कर रहे हैं। सागेन कुंकल जर्सी नंबर 4 पर, जो लेफ्ट विंग विंगर है। लखन गुइया जो टीम के बतौर कप्तान, यानी उनके बगडोर, ये टीम की बगडोर उनके कंधों पर, जर्सी नंबर 9 पर लखन गुइया। ये अटैकर्स की अहम रोल पर है। गांधी लियांगी जर्सी नंबर 10 पर, जो राइट आउट के प्लेयर है, यानी विंगर के प्लेयर। बेटा कुंकल जर्सी नंबर 16 पर, ये है 9 साइडर मैच। एएमएस नाजुक की प्लेयर सूची और इन जर्सी नंबरों पर अपने आप को सजाई हुई है। एक बार फिर अच्छी मौका बनी है वहां जर्सी नंबर 9 के लिए लखन। ऐसे बार गेंद लखन के पास, द्वारा करने की कोशिश, लेकिन इस वक्त कप्तान के पैरों पर गेंद और अच्छी बंटवारा, क्या मौका बनेगी। हल्की धीमी गति से गेंद को डाला गया था वहां, और मौजूद थे वहां सेंटर फुलबैक के डिफेंडर, और गेंद को डेंजर जोन से बाहर की। सुरती पलों पर थोड़ी सी प्रभाव डालने की कोशिश प्रभु सिंहभूम की ओर से। अपने आप में खासा तालमेल देखा जा रहा है, बिल्कुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी जो समझ है, ये बेहतरीन अदा करते हुए इस वक्त छोटी छोटी पास, बिल्कुल वन टच पास और पूरी तरह से ग्रासिंग पास। और वही बात करें पश्चिम सिंहभूम के कप्तान की बगडोर संभाली हुई है बोरो,
जो जर्सी नंबर 97 पर 97 जर्सी नंबर जिनका नाम है बोरो, ये पश्चिम सिंहभूम की बगडोर संभाली हुई है एंड इसकी पर अपने टीम के तूरी लमय गोलकीपर की भूमिका पर छोटे कदकाठी के पांडु लगुन 87 नंबर पर जो डिफेंसिव हाफ को संभाली हुई है आनंद जर्सी नंबर 57 बोरो 97 पर जो अपने टीम के स्कीपर कप्तान महोदय सुनील जर्सी नंबर 7 पर संजय जर्सी नंबर 17 पर विजय जर्सी नंबर 77 पर इस वक्त 37 नंबर जर्सी सुरेश के पास गेंद और सुरेश ने अच्छी स्किल दिखाई वहां गेंद को रेफर किया जर्सी नंबर 17 के लिए संजय और वहां पर धीमी गति से गेंद को डाला गया था और एएमएस नादू यानी पूर्वी सिंहभूम के जो गोलकीपर के किरदार लंबे कदकाठी के लगभग 7 फीट के लगभग ये गोलकीपर अनिल हस्ता अपने टीम के गोल रक्षक सिंधुलाल जर्सी नंबर 27 पर प्रताप सब्स्टिट्यूशन पर बैठे हुए हैं 47 और जयकार पहले हाफ की मैच प्रगति पर और अभी तक कोई नतीजा नहीं पहली गोल की तलाश पर दोनों ही टीमें एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने ग्रुप डी का अंतिम मुकाबले को लेकर पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के बीच ये युद्ध ये लड़ाई ये भिड़ंत ये टक्कर ये मुकाबला पूरी तरह से शुरू हो चुका है और 30 मिनट की विजय यात्रा पर दोनों ही टीमें निकल चुकी है और कौन सी टीम यहां से पहला गोल अर्जित करेगी यह अभी भी देखना शेष है लेकिन मुकाबला काफी सुंदर होते हुए बिल्कुल अच्छी समझबूझ के साथ दोनों टीमें एबीसी पूर्णिया के स्टेडियम पर गेंद नादुक के पास फिलहाल स्किल दिखाने की कोशिश सेंटर फुल डिफेंडर को गेंद सौंपा लेफ्ट में कॉर्नर में सीधे गेंद को विंगर के पास जर्सी नंबर 6 एक बार अच्छी गति दिखाई है वहां सामू दिघी लेकिन गोलकीपर आगे आए तूरी लापाए और गेंद को अपने दस्ताने पर काफी आसानी के साथ फिर बार गेंद नादुक के पास थोड़ी सी धीमी गति से मैच खेला जा रहा है दोनों टीमें जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं थ्रोइन हालांकि जीतने में सफल पश्चिम सिंहभूम फिर से एक बार अच्छी बंटवारा वहां जर्सी नंबर 16 के लिए और उन्होंने छोर को बदलने की कोशिश करी है
लेकिन फिर एक बार गेंद बिल्कुल मध्य रेखा के करीब और डिफेंसिव हाफ के प्लेयर गेंद को रेफर किया राइट विंगर के प्लेयर के पास। फिर से एक बार अच्छी मौका बनेगा वहां पर गेंद नानुक के पास, अच्छी स्किल दिखाने की कोशिश और बॉक्स पर अंदर घुसने की कोशिश और लीजिए यहां पर पहली सीटी आती हुई लंबी सीटी और डायरेक्ट पेनल्टी मिल गई एक तोहफा और डिफेंसिव हाफ के सेंटर फुल डिफेंडर जो वहां मौजूद थे उनकी आंखों पर धूल झोंककर आगे बढ़ने की कोशिश, हालांकि उन्होंने फाउल वहां पर अर्जित करी है और घोषणा यहां पर रेफरी अनुराग सोई जी का डायरेक्ट पेनल्टी की। एक तोहफा मिल गई है पूर्वी सिंहभूम की टीम को क्योंकि डी बॉक्स के अंदर अगर इस प्रकार की बड़ी गलती देखी जाएगी इससे पूर्व जो मैच हुई थी सागुन एफसी जमशेदपुर और चिरुवड़ा के मध्य उसका परिणाम अभी तक आई नहीं है। वो रिजल्ट पहुंचा देंगे चिरुवड़ा या सागुन एफसी। इस तोहफे को कबूल करेंगे जर्सी नंबर 5 वो और ये काफी गलत किक और अच्छी बचाव वहां पर कहा जाएगा पूरी समय के लिए इस तोहफे को उन्होंने कबूल नहीं किए और एक बार काउंटर पर गाड़ी निकल चुकी थी वहां जोरदार किक करने की कोशिश हालांकि गेंद ऑफ टारगेट से ली गई। चिरुवड़ा सागुन उपाध्याय ने चिरुवड़ा टिंकू चिरुवड़ा सागुन ओ चले टाई ब्रेकर में सागुन एफसी जीत हासिल की। और एक अच्छी मौका को पूरी तरह से गंवा चुके हैं, मिस कर चुके हैं वहां प्रभु सिंहभूम, लेकिन इस वक्त अपने सीमा को छोड़कर पश्चिमी सिंहभूम ने पूर्वी सिंहभूम की सीमा पर आक्रमण करने के लिए गेंद तक प्लेयर्स पहुंच सकते हैं। जी हां नहीं, गेंद में इतनी गति थी फास्ट हाफ की मैच गतिशील अवस्था पर और अभी तक मैच के परिणाम आए नहीं है। शून्य शून्य की स्कोर लाइन पर दोनों ही टीमें और लीजिए फास्ट हाफ की सीटी मैच की सेकंड हाफ की सीटी आती हुई रेफरी अनुराग सोई की और पहले हाफ में एक शानदार मौका पूरी तरह से उस शानदार मौके को जानदार साबित कर सकते थे सेंटर फुलबैक के डिफेंडर जर्सी नंबर 5 ने। पेनल्टी किक मिली थी और उन्होंने पूरी तरह से गेंद को गंवा दिए थे और अभी तक पश्चिमी सिंहभूम की ओर से कोई मौका आया नहीं है जो पूरी तरह से नजदीकी यानी क्लोज मैटर आया नहीं है।
पश्चिमी सिंहभूम के पास गेंद और वहां खिलाड़ी मौजूद है छोटे गेंद के बिल्कुल पेनल्टी रेखा के करीब अपील करी गई थी लेकिन पूरी तरह से मौखिक अनुरोध फाउल घोषित करने की हालांकि कोई संकेत नहीं अनुराग जी का सेकंड हाफ की मैच आरंभ हो चुकी है अच्छी बंटवारा वहां पर बिल्कुल पेनल्टी एरिया के करीब गेंद और अच्छी पास बिल्कुल क्वालिटी पास विंगर को ढूंढा गया लेकिन गेंद को अधिक समय तक अपने पास गेंद को रखने में असफल हुए वहां फिर से एक बार गेंद पश्चिम सिंहभूम के पास गेंद तक पहुंचने की कोशिश हालांकि गेंद में इतनी अधिक गति थी जिसके कारण टच लाइन के बाहर अच्छी एरियल बॉल से ढूंढा गया था जो जसी नंबर 16 को छोटी छोटी पास छोटे कद काठी के जसी नंबर 7 और वहां लंबे तगड़े डिफेंडर के साथ एक मिनी बैटल हालांकि उस मिनी बैटल में जीत जरूर अर्जित करी है मौका बनेगा ओह थोड़े से स्किल दिखाने की कोशिश और उसे लगता है ये कॉर्नर किक जीतने में सफल सेकंड हाफ में बढ़त बनाने की मौका पूरी तरह से कॉर्नर किक की ओर पश्चिम सिंहभूम की टीम और डिफेंडर मौजूद लेकिन फिर भी एक बार गेंद पश्चिम सिंहभूम के पाले पर थे फिर से एक बार ट्राई पश्चिम सिंहभूम की और आती हुई कुछ समय गेंद पर पूरी तरह से करी हुई पश्चिम सिंहभूम और गेंद को पूरी तरह से विरोधी दल के सिर पर खेल रहे हैं काफी देर के पश्चात एक बार फिर गेंद पर अपनी पोजीशन जमा हुए हैं नाजुक की टीम और इतनी दूरी से हेडर लगाने की कोशिश चलिए ये गेंद उस इंसान से टकराई बदाम बेचने वाले के पिछवाड़े से तो थोड़ी सी हंसी भी यहां देखने को मिले हमारी छात्राएं इसका पूरी तरह से आनंद ले रहे हैं एक बार फिर गेंद नादुक के पास प्रमुख डिफेंडर और अच्छी एरियल गेंद डाली है वहां गेंद को छोड़ा जाएगा और कोई परिणाम नहीं शून्य शून्य के स्कोर पर दोनों ही टीमें अपनी पहली गोल की तलाश पर निकली है दोनों ही टीमें हालांकि अभी तक जिस प्रकार भूखे को रोटी की आवश्यकता होती है और जीत के लिए गोल की आवश्यकता होती है लेकिन अभी तक
अपनी भूख मिटाई नहीं है दोनों टीमें, गोल करने की जो भूख है ये दोनों टीमों की ओर से देखा जा रहा है यकीनन। हालांकि अभी तक कोई भी टीम स्कोर तक नहीं पहुंच पाई है, क्या अभी आएगी? एक मौका बन रही है वहां, लेकिन अपने पोजीशन को डिस्पोजेस किए और गाड़ी यहां काउंटर पर जा सकती है पश्चिम सिंहभूम की टीम। अच्छी बंटवारा, जमीनी पास फिर से एक बार छोर को बदला गया है। ये छोटे कटकाठे, ये छोटा पटाका धमाका करने की कोशिश और बाहर, ठीक बॉक्स के बाहर, फिर एक बार फाउल घोषित हुए वहां। और इस बार मौका मिला है पश्चिम सिंहभूम को और दिशा भी वही है, हालांकि पेनल्टी नहीं मिली है, ये इनडायरेक्ट फ्री किक होगी। एक अच्छी स्थिति पर और बिल्कुल सही जगह पर मिली है, यहां से पश्चिम सिंहभूम डायरेक्ट जी है। क्षमा करेंगे, और वहां दीवार, जी हां नहीं, चलती हुई इस कमेंट्री में थोड़ी सी निकल चुकी थी, क्षमा करेंगे संतोष जी। और एक मौका को पूरी तरह से दोनों हड्डी में एक ही चांसेस को गंवा चुके हैं। एक बार फिर पश्चिम सिंहभूम की टीम, पूर्वी सिंहभूम की टीम ने जोरदार अच्छी प्रहार करे थे, बिल्कुल फ्रेम पर गेंद को रखा था, लेकिन गोलकीपर आ गया, अच्छी कलेक्शन। दोनों ही टीमें एक एक चांसेस को पूरी तरह गंवा चुके हैं। अभी तक नजदीकी जो प्रयास वो देखने को मिले नहीं है, रिसीविंग करने की कोशिश हालांकि वहां चुके, अच्छी चेस्ट डाउन और नादुक के पास अच्छी बटवारा दक्षिण में 14 के लिए, और विकेट ने अच्छी क्रॉस डालने की कोशिश, लेकिन जमीनी स्तर से क्रॉस आई। एक बार फिर अच्छी बटवारा प्रभु डिफेंडर की ओर से, पुनावनी को ढूंढा गया, इस बार डिफेंसिंग लाइन को छोड़कर अटैक करने की पूरी तरह से कोशिश, हालांकि वहां फिर से एक बार काउंटर हो सकते हैं। दूरी से ली गई किक, डिफेंडर और गोलकीपर में तू मैं होता हूं, मैं हूं या आप लोग, हालांकि समझदारी वहां पर दिखाते हुए और गेंद को डेंजर जोन से बाहर की। दोनों ही शोर से आक्रमण, एंड टू एंड मुकाबला, बिल्कुल मध्य रेखा के करीब गेंद और मैच पूरी तरह से समाप्ति की ओर। द्वितीय चक्र का पहला मुकाबला YRSC कुमार लोटा और उनके खिलाफ आमने सामने होंगे जगुआर